पवन पुत्र मेघश्याम निवासी बसंत बिहार थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत बाजना पुल के नजदीक अपने मित्रों के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक अज्ञात वाहन ने पवन को रौंद दिया। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर पवन को नेति हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। परिणाम स्वरूप उपचार के दौरान पवन की मौत हो गई। हालांकि पवन के मित्रों ने गाड़ी का नंबर ले लिया है, लेकिन गाड़ी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो वहीं मामा फूफी के दो भाई राजेश पुत्र अमर सिंह और सतीश पुत्र राम निवासी अभय नगर नागलोई दिल्ली से मथुरा किसी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए अपाचे बाइक से आ रहे थे कि तभी अचानक थाना छाता क्षेत्र के अंतर्गत बिलोटी कट नई सेमरी पर एक कैंटर ने दोनों बाइक सवारों को रौंद दिया। परिणाम स्वरूप दोनों भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा भर दोनों शवों को पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया है और घटनास्थल पर मौजूद लोगों की मदद से कैंटर को हिरासत में ले लिया है। बता रहे थे वहाँ खड़े थे, नंबर ले लिया है, वो उसको टक्कर मार के चले गए। और इसको बाद में फिर कुछ टेम्पो वालों ने नैती हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन उन डॉक्टरों ने वहाँ मृत घोषित कर दिया। गाड़ी अभी तक पकड़ी गई या नहीं? नहीं, गाड़ी अभी नहीं पकड़ी गई है। पुलिस वाले मिले, पुलिस वाले ने बताया था फ़ोन करके, मैं फिर मोबाइल मिला उससे, आप डेड बॉडी वहाँ पहुँच गए, मैं तो सीधा मन से चले आया, मोबाइल लिया है। उन्होंने बोलिए एक्सीडेंट हुआ उससे, वो भी गाड़ी पब्लिक ने पकड़ लिया और वो थाने में भी जमा कर दिया। गाड़ी एक्सीडेंट भी हुआ, वो भी जमा, नंबर भी लिया। सुनने में ये आया है कि ये एयरफोन लगा के गाड़ी टैंकर में घुस गई है, तो जो बच्चे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कौन लगते हैं भैया? मृतक का साला। आप उनके साले? ये लोग कहाँ से आ रहे थे? वो साला मेरा। कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ये दिल्ली से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ये हमारे पास आ रहे थे मथुरा। आज कार से था वो सारे आ रहे थे प्रोग्राम में। आ रहे थे प्रोग्राम में? तो ये दोनों आपस में रिश्तेदार थे या अलग अलग थे? भाई भाई हैं ये दोनों। कितने बजे करीब की घटना है? जैसा तो 8:30 कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? ये तो अभी पता चलेगा। अपाचे थे और दूसरी गाड़ी कौन सी थी? मथुरा से टीवी 100 के लिए योगेश गौतम की रिपोर्ट।